नीट परीक्षेत झालेल्या घोटाळ्याचा विरोध सर्वत्र केला जात असताना अशातच आता भाजप सरकार विरोधात ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन रस्त्यावर उतरला आहे. स्टुडंट फेडरेशन तर्फे देशभरात हे आंदोलन छेडण्यात आलं आहे. भाजपा सरकार के पूरे 10 साल के कार्यकाल में हम देख रहे कि लगातार पेपर फोड़े जाते, कुछ छात्रों को राहत देकर उनको आगे बढ़ाया जाता. ये जो परीक्षाओं का घोटाला है जिसके खिलाफ इस देश के छात्र आंदोलन में चुनाव ने अपनी शक्ति दिखाई है. मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एनपीए जो परीक्षा की जिम्मेदारी है, नीट परीक्षा जिसमें छात्र मेडिकल की ओर अग्रसर होते हैं, इस परीक्षा को अतिशय संवेदनशील ढंग से लेना चाहिए और इस परीक्षा में कोई धांधली ना हो. ये सरकार की जिम्मेदारी है, एनपीए की जिम्मेदारी है, मगर चूंकि ये देखा नहीं जाता, ये धांधली की गई. लगातार एक के पीछे एक लड़के एक जैसे उनको मार के रोल नंबर पर देखे, तो ये सब जो घोटाला सामने आया सुप्रीम कोर्ट ने कल उसके ऊपर ताशर हो रहा है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको रद्द करने के आदेश देते. हम छात्रों के ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने इस आंदोलन को पूरा देशव्यापी खड़ा किया है. ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्य के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड वैभव चोपकर